अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 7.4 जो है वो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 7.4 जो है और 7.5 जो है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन 7.4 सिंपल इवेंट होते हैं, सिंगल इवेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो आपने सॉल्व करना है। 7.5 में फिर मल्टीपल इवेंट्स हैं, उनको आप एडिशन लॉ लगा के कर रहे होते हो। तो 7.4 में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से हैं, खासतौर पर शुरू के अगर आप देखो बहुत ज्यादा पार्ट है लेकिन करना कुछ भी नहीं है उनके अंदर। तो जो मुश्किल पार्ट जो है ना वो मैं करवा दूंगा, बाकी मैं बस वर्बली आप लोगों को समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 7.4 के लिए आपको बस एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, जो पुराने टॉपिक पढ़े हुए उनकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, जो आपने 7.1, 7.2, 7.3 में जो जो काम किया है वो आपको पता होना चाहिए। 7.4 के लिए एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है, वो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपने कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में आप लिखोगे जितने केस फेवरेबल कर रहे हो उस इवेंट को। अच्छा, बुक में ना ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, लाइक अगर आप देखो ना, एक अगर आप पेज 244 पे आओगे तो यहां पे लिखा हुआ है फेवरेबल इवेंट्स। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो देखो, फेवरेबल इवेंट्स ऐसा कोई इतना अच्छा डेफिनेशन नहीं है जो मैं बताऊं। हाँ, इसके लिए अच्छा वर्ड क्या यूज करता है, जो बुक ने भी यूज किया हुआ है, कि केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट, ये अच्छी इसकी मतलब हेडिंग है जो बन सकती है। और ये होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इवेंट है इवन नंबर आना, अब इस इवेंट को कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं, 2, 4, 6, अगर आप डाई फेंक रहे हो तो ये 3 नंबर इवन आ सकते हैं ना। तो ये जो तीनों आउटकम है ना, इनको आप बोलोगे केसेस फेवरेबल टू इवेंट, जो हमने इवेंट डिस्कस किए ना उसको कितने केस कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं। तो ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस की हुई है। फिर एक चीज थी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है यार, जिसका आउटकम एक से ज्यादा हो, मतलब एक तो एलिमेंट्री इवेंट है ना जिसके अंदर एक ही आउटकम है, सिंगल आउटकम है, ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो उसको आप कंपाउंड बोलते हो। तो ये बुक में दो नाम थे जो मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सॉरी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो भी इवेंट आप डिस्कस कर रहे हो आप न्यूमरेटर में लिखते हो कि कितने केस उसको फेवर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय उस पूरे एक्सपेरिमेंट जो भी आपने ट्रायल परफॉर्म किया उसके टोटल आउटकम कितने हैं। तो डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम होता है और न्यूमरेटर में वो वाले आउटकम जो उस इवेंट को फेवर कर रहे हैं वो आप लिखते हो। इस तरीके से आप सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, अ डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई को छिक्का, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं लूडो खेलते हुए, तो जब आप छिक्का फेंकते हो तो इसको कहते हैं एक दफा आपने रोल किया है। ठीक है, एक ही डाई है, एक ही दफा आपने रोल किया, उसके ऊपर 6 कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अ डाई इज रोल्ड वंस, तो जब एक दफा डाई रोल होती है तो आपका सैंपल स्पेस क्या होता है। अभी मैं पूरा नाम लिखवा रहा हूं सैंपल स्पेस, वरना मैं एस लिख दूंगा। तो सैंपल स्पेस के सेट में कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है टोटल आउटकम, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पार्ट 1 लिखा हुआ है अ नंबर 4, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास नंबर 4 आए। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या है, अ नंबर 4, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप लेट कर लो कि लेट इवेंट ए है, आप नाम दे दो, ये जो 4 आने का जो इवेंट है ये कितने तरीके से आ सकता है, भाई एक ही तरीके से आ सकता है, जो आपको पार्ट में गिवन है ना कि नंबर 4 है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये एक इवेंट है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, नंबर 4 आने का एक ही आउटकम हो सकता है, एक ही तरीके से 4 आ सकता है। तो मैंने लेट कर लिया इवेंट ए जो है उसके अंदर कितने आउटकम होंगे, एक ही आउटकम होगा 4, एक ही तरीके से 4 आ सकते हैं। तो अब जरा निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके आगे आप लिख भी दो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, जबकि यहां पे लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6, मतलब सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने, टोटल एलिमेंट्स कितने, 6, और आपका जो पार्ट 1 में इवेंट है उसके अंदर कितने, उस इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो आपके इवेंट को एक केस फेवर कर रहे हैं, टोटल 6 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/6। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो आप इसको मल्टीप्लाई, अच्छा वैसे प्रॉपर टेक्निक ये होती है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100, असल मैथ की टर्मिनोलॉजी ये होती है। तो फिर ये हो जाएगा 100 अपॉन
इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में, जो परसेंटेज होता है ना इसका मतलब होता है परसेंट पर हंड्रेड, तो हंड्रेड पे कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप एक काम करो हंड्रेड डिवाइड बाय सिक्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री, तो आप इस तरह लिख सकते हो फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री क्या होगा, ऑलमोस्ट 16.6 कुछ समथिंग होगा डिवाइड बाय हंड्रेड, मतलब 100 को आपने 6 से डिवाइड किया, जो अमाउंट है वो आपने ऊपर लिखी, नीचे आपने 100 लिख दिया। असल टर्मिनोलॉजी ये होती है, इसको हम क्या पढ़ते हैं 16.66 परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब परसेंट पर 100, ये असल मतलब इसके पीछे बेसिक होती है, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो 16.66 परसेंट, सेंट मतलब 100। बहरहाल आम लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको सॉल्व करोगे देखना 16.66 ही आ रहा होगा आई गेस, मैं चलो फिर भी कंफर्म कर लेता हूं, 100 डिवाइडेड बाय 6, यस 16.66 ही है, ठीक है। तो परसेंटेज में अगर आप लिखना चाहो तो कितने परसेंट चांसेस हैं, 16.66 परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास नंबर 4 आए। अब नंबर 4 की बात है ना, कोई भी नंबर इवेंट में आ जाए, कोई और लिखा हुआ है उन्होंने, कोई और इस तरह लिखा नहीं, फॉर एग्जांपल पेपर में बोले अ नंबर 6, अ नंबर 2, अ नंबर 1, किसी भी एक नंबर का अगर आपको बोले ना, चांसेस उसके 1/6 ही है, ठीक है। तो ये पार्ट किसी तरीके से भी पेपर में आ सकता है। पार्ट नंबर 2 को देखो, पार्ट नंबर 3 को देखो, मैं 3 करवा रहा हूं, पार्ट नंबर 2 में बता दूंगा कि क्या करना है उसके अंदर। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कहने का मतलब आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब मैं डाई को रोल करूं और मेरे पास जो नंबर आया वो 4 या 4 से ग्रेटर हो, क्या चांसेस हैं इसके। तो इसको आप नाम दे दो, ये जो इवेंट है फॉर एग्जांपल ए का आपने नाम दे दिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नोटेशन भी इस टाइप की होती है, पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर आप इसको डिफरेंट करना चाह रहे हो तो बी का नाम दे दो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो डिफरेंट कर दो। ये जो इवेंट है जो पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि वो नंबर, मतलब अगर आप डाई फेंको आपका नंबर 4 आए या 4 से ग्रेटर आए, इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, 3 केस फेवर कर रहे हैं। अगर 4 आए तो इस इवेंट के अंदर आ रहा ना, 4 की इक्वल है, 4 से ग्रेटर क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 6 से ग्रेटर तो कुछ नहीं होगा ना, तो 4 से ग्रेटर 3 नंबर है यहां पे, 4, 5, 6। एक्चुअल में 4 से ग्रेटर 5, 6 है, लेकिन इसमें 4 भी शामिल है ना। अगर यहां पे इक्वालिटी नहीं होती तो अब इसके अंदर 4 नहीं आता, अब इसके अंदर जस्ट 5 और 6 आते, क्योंकि 4 से ग्रेटर 5 और 6 है। इसमें इक्वालिटी भी डाल दी, इसका मतलब अब 4 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो पार्ट नंबर 2 में जस्ट 5 और 6 इंक्लूड है, पार्ट नंबर 3 में 4, 5, 6, 4 भी साथ इनके इंक्लूड है। तो ये जो इवेंट है इसको इतने केस फेवर कर रहे हैं, अगर 4 आए तो ये इवेंट सेटिस्फाई हो रहा है, अगर 5 आए ये इवेंट सेटिस्फाई हो रहा है, अगर 6 आए ये इवेंट सेटिस्फाई हो रहा है, 6 से ग्रेटर डाई में कुछ नहीं होता। तो अगर आप इसकी अच्छा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, भाई 3 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट बी की क्या होगी, अगेन वही 3 केस इसको फेवर कर रहे हैं, टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, 50% चांस है कि जब आप डाई फेंको तो आपके पास 4 या 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर आएगा, जो कि सेंस भी बना रहा है, 3 नंबर इसके अंदर आ गए तो बाकी 3 नंबर 1, 2, 3, तो ये हाफ ऑफ हो गया ना, तो 50% चांसेस है कि ये चीज आ जाए। उसके बाद लिखा है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है नंबर 7, भाई नंबर 7 आने की कोई भी चांसेस नहीं है, तो पार्ट नंबर 4 में हेडिंग डालना नंबर 7, फॉर एग्जांपल इसको आप इवेंट सी कह देना, और ये इवेंट सी जो है एक एम्प्टी सेट है, इसको इस तरह लिख देना, क्योंकि भाई डाई में 7 आ ही नहीं सकता, तो ये वो इवेंट है जिसके अंदर कोई भी केस इसको फेवर नहीं कर रहा, कोई भी आउटकम इसको फेवर नहीं कर रहा। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है कि यार ये चीज तो हो ही नहीं सकती। पार्ट 5 में लिखा हुआ नंबर ग्रेटर देन 7, भाई जब 7 नहीं आ सकता तो ग्रेटर देन 7 कैसे आएगा, तो अगेन इस इवेंट को फॉर एग्जांपल आपने डी बोल दिया, इस इवेंट भी एम्प्टी है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। और पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है नंबर 9, इसमें हर चीज आ जाएगी, पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है नंबर लेस देन 9, तो बच्चों आप लोगों को पता है जब भी आप डाई फेंकते हो तो लेस देन 9 ही कुछ आता है, लेस देन 9 मतलब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं सी का नाम देता हूं, लेस देन 9 1 होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेस देन 11 बोलते हैं तब भी यही रहेगा, लेस देन 100 बोलते हैं तब भी यही रहेगा। जब भी आप डाई फेंकोगे लेस देन 100 फॉर एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, लेस देन 9 तब भी यही आ सकता है, ये सारे नंबर क्या है लेस देन 9 है। तो ये जो इवेंट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है,
और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लगोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ सी 6 है, एन ऑफ एस भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है। और ये बात सेंस भी बना रही है, प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है कि वो इवेंट लाजमी परफॉर्म होगा, और ये आपको पता है जब आप डाई फेंकोगे तो नंबर लेस देन 9 ही आता है, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, तो ये तो सारे लेस देन 9 है। इसका मतलब ये वो इवेंट है जो कि सर्टेन इवेंट है, लाजमी होगा, लाजमी नंबर लेस देन 9 ही होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 3 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अच्छा, ये बात बोली जाए या आपको बोला जाए कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया, एक ही बात होती है। ठीक है, एक कॉइन को 3 दफा बारी बारी टॉस किया या तीनों कॉइन को एक साथ टॉस किया, बात एक ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, सबसे पहले आप कंडीशन लिखो ऊपर क्या है, 3 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। पता नहीं स्पेलिंग इसकी यही है, हाँ यही है। तो सबसे पहली बात सैंपल स्पेस क्या होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब आप इसको अगेन ट्री डायग्राम से भी बना सकते हो, मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया मैं किस तरीके से बनाना है। आपने ट्री डायग्राम फॉर एग्जांपल, पहली दफा आपने कॉइन टॉस किया हेड आया, दूसरी दफा किया हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल पहली दफा हेड, दूसरी दफा हेड, तीसरी दफा हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, अगेन हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ये हेड की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल पहली दफा टेल आ गया तो दूसरी दफा हेड, फिर तीसरी दफा हेड या टेल, अच्छा दूसरी दफा हेड आ सकता है टेल आ सकता है, इसी तरह टेल के अंदर भी आप कर दो हेड टेल। ये सारे आउटकम डिफरेंट है, इनको मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ये टोटल 8 बन रहे हैं। वैसे भी आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल सकते हो, किस तरीके से, काउंट करने के लिए वही यूज करोगे ना, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलता हूं बार बार, मैंने एडिट भी किया था काउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहां पे प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाओगे क्योंकि 3 इवेंट है, पहला इवेंट है कॉइन को टॉस, पहला कॉइन जो है उसको टॉस करना, दो तरीके, दो आउटकम आ सकते हैं हेड या टेल, दूसरे कॉइन में भी 2 आउटकम आ सकते हैं, तीसरे में भी 2 आ सकते हैं, ये सब काम एक साथ है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर क्यूब 8, तो 8 ही आउटकम है इसके अंदर। तो ये काउंटिंग जो आप कर रहे हो ये आप उसी टेक्निक से कर रहे हो, तो ट्री डायग्राम मैंने बनाई है ना, बना फर्स्ट प्रिंसिपल सॉरी काउंटिंग प्रिंसिपल से और उसमें भी प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आप आसानी से काउंट कर सकते हो। तो जरा आउटकम को लिखेंगे इस तरह, हेड हेड हेड, इसका मतलब क्या है कि 3 दफा हेड आ रहा है, पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, फिर हेड हेड टेल। अब इसका मतलब है शुरू के 2 कॉइन में हेड आ रहा है, तीसरे में टेल आ रहा है, अलग आउटकम है ये। फिर है हेड टेल हेड, अगेन ये अलग चीज है पूरी, फिर हेड टेल टेल, अच्छा उसके बाद टेल हेड हेड टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल 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 हेड, फिर आखिरी क्या होगा टेल टेल टेल। तो ये 8 आउटकम आ सकते हैं, ये 8 ही तरीके से हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि आपने 3 कॉइन टॉस किया कुछ अलग आ जाए, नहीं, 3 दफा हेड आएगा या 3 दफा टेल आएगा। अच्छा फिर ऑर्डर, अच्छा इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं है ये, कॉम्बिनेशन होता तो टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल ये सब सेम ही होते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 टेल 1 हेड है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है, परमोटेशन होगा, ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब आप इसमें बोलोगे ये जो अरेंजमेंट है इसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्योंकि पहली दफा हेड आ रहा है, ये बात अलग है कि पहली दफा टेल आए, तो ये दोनों चीजें अलग होंगी, दैट्स व्हाई बार सैंपल स्पेस जो है वो आपने पूरा लिख दिया। सैंपल स्पेस अब आप पेपर में मेंशन कर दोगे, अब आप आ जाओगे कौन सा, मतलब क्या आपसे बोला गया, पार्ट 1 में बोला हुआ एटलीस्ट 1 टेल, मतलब सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास एटलीस्ट 1 टेल है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 टेल हो, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल भी हो सकते हैं, 3 टेल भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 ही दफा पॉइंट टॉस के 4 टेल कैसे आएंगे, तो एटलीस्ट का मतलब 1 भी हो, मिनिमम 1 टेल होना चाहिए, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तो जो पार्ट 1 है एटलीस्ट 1 टेल, ये जो इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दे देता हूं ए का, इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं ये आपने लिखना है। तो आप ऐसे सैंपल स्पेस में देखोगे ऐसे आउटकम जिसके अंदर एटलीस्ट 1 टेल मौजूद हो, मतलब हेड 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 को निकाल दो, बस इस वाले को निकाल दो, बाकी सब में आप देखो एटलीस्ट 1 टेल तो मौजूद ही है सब में, किसी में 2 है किसी में 3 है, लेकिन पहले आउटकम के अलावा बाकी सब में टेल मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब सब आ लेंगे
हेड हेड टेल हेड टेल हेड अच्छा हेड टेल टेल फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड फिर टेल टेल टेल। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस इवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, भाई इस इवेंट के अंदर टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट ए की, तो क्या होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ए 7 है एन एस 8 है तो प्रोबेबिलिटी है आपकी 7/8। तो देखो काफी चांसेस है 7/8 ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, मतलब 100% ऑलमोस्ट है, मतलब 90% होगी, 90 के आसपास कोई परसेंटेज आ रही होगी। तो देखो कितने चांसेस हैं, और ये सेंस भी बना रही बात, आप जब 3 दफा कॉइन टॉस करोगे बहुत ही रेयर है कि आपके पास सारे हेड आए, वरना एक टेल तो होता ही होता है। तो ये आप सेंस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ यार प्रोबेबिलिटी सही बता रही है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 हेड, यार अब ये एटलीस्ट वाले कर लेना आप। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से केस आएंगे, पहला वाला केस क्योंकि 2 हेड तो है इसके अंदर, इसके अंदर भी 2 हेड है, इसके अंदर भी 2 हेड है, बाकी इसके अंदर भी 2 हेड है, बाकी किसी के अंदर 2 हेड नहीं है, तो आप वो आउटकम ढूंढो जिसके अंदर 2 हेड हो या 2 से ज्यादा हो, मतलब 3 हो सकते हैं। तो लिख लेना आसानी से आप लोग कर लोगे। फिर पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 हेड एंड 1 टेल, एग्जैक्टली बात की गई है कि एग्जैक्टली 2 हेड हो और 1 टेल हो। अब इसको कितने फेवर कर रहे हैं, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, दैट्स इट। ये 3 ऐसे केस हैं जिसके अंदर आपके पास 2 हेड और 1 टेल आपको मिल रहा है। तो ये जो पार्ट 3 में जो इवेंट है इसके अंदर 3 आउटकम होंगे, बाकी कर लेना है इतना मसला नहीं है। पार्ट 4 में लिखा हुआ है ऑल हेड, कि ऐसे आप एक इवेंट उन्होंने बताया कि जिसमें सारे हेड हो। अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, एक ही फेवर कर रहा है, तो पहला वाला जो आउटकम है इसमें सारे जो है वो हेड है, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1/8 आएगी, तो 1/8 का मतलब ऑलमोस्ट 10-15% चांसेस है, और ये बात समझ भी आती है क्या है? ये बहुत ही कम चांसेस है कि आप कॉइन टॉस करो तो आपके पास तीनों पे हेड आ जाए, हैं चांसेस लेकिन बहुत कम है इसके। तो ये भी कर लेना यार, एक ही बात है। पार्ट 5 में लिखा हुआ है नो हेड नो टेल, कि ना हेड आए ना टेल आए, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसको आप बोलते हो इम्पॉसिबल इवेंट, जीरो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। क्यों? आप जितने भी आउटकम देखो इन सब में या तो हेड आ रहा है उसके साथ टेल आ रहा है, ऐसा कोई इवेंट है जिसमें हेड भी ना हो टेल भी ना हो? ऐसे इवेंट है कि जिसमें सिर्फ हेड है, ऐसे इवेंट है जिसमें सिर्फ टेल है, और ऐसे इवेंट है जिसमें हेड है या टेल है, लेकिन ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसमें ना हेड हो ना टेल हो, ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है। तो अब हेडिंग बनाना नो हेड नो टेल, लिखना लेट ए और इसके अंदर एम्प्टी सेट, क्योंकि भाई इस इवेंट को कोई भी केस फेवर नहीं कर रहा, हर केस में या तो हेड है या टेल है या दोनों है, तो जीरो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके। अगेन बिल्कुल इस तरह से एम्प्टी सेट का आपने यहां पे किया था ना, जो बताया था एग्जैक्टली उसी तरह करना है। अभी बहुत बच्चों वाले यार, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं। पार्ट नंबर 6 फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, ये आप लोग भूल सकते हो इसको, तो ये मैं करवा देता हूं। पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, द सेम फेसेस, क्या मतलब है इसका कि फेसेस सेम होने चाहिए। फेसेस मतलब कोई भी शेप होती है ना उसका फेस होता है, जैसे डाई जो है उसके 6 फेस है, एक फेस मतलब फेस आप ये कह लो कि सरफेस कह लो आप उसको, डाई के तकरीबन क्यूब होता है ना डाई, तो 6 सरफेसेस होती है उसके, तो उसको 6 फेसेस कहते हैं हम। एक फेस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे फेस पे 2 लिखा हुआ है, तीसरे पे जो भी है। इसी तरह जो कॉइन है, जो आ वाला कॉइन है जो हम यूज करते हैं पैसों वाला, वो तो अलग होता है ना, उसमें किसी में मस्जिद होता है एक तरफ, दूसरे में चांद होता है, ऐसा टाइप होता है। जो क्रिकेट में जो आप कॉइन यूज करते हैं टॉस करने के लिए, उसमें एक तरफ हेड होता है दूसरी तरफ टेल होता है, तो 2 फेसेस होते हैं उसके। तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि चांसेस बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप 3 कॉइन टॉस करो और सेम फेस आए। सेम फेस का मतलब सारे हेड हो या सारे टेल हो। सेम फेस 2 तरीके से आ सकता है, या तो सारे हेड हो, सेम फेसेस होने चाहिए, तीनों कॉइन पे सेम फेस आ रहा है हेड हेड हेड, या तीनों कॉइन पे सेम फेस आए टेल टेल टेल। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, बाकी जो पॉसिबिलिटी है उसमें सब सेम फेसेस नहीं है, किसी 2 में हेड आ रहा है किसी 1 में टेल आ रहा है, तो फेसेस अलग हो गए ना इसके। तो सेम फेसेस जो इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको बी का नाम दे दो, इसके अंदर कितने केस आ रहे हैं, 2 केस आ रहे हैं, हेड 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 या टेल टेल टेल, 2 ही केस को फेवर कर रहे हैं। कितने हैं इसके अंदर भाई, 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये हो जाएगा 2/8 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। 25% चांसेस है कि आप 3 कॉइन टॉस करो तो फेसेस सेम हो, मतलब या हेड हेड हो जाए या टेल 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 हो जाए। और आखिरी पार्ट है,
पार्ट नंबर 7 लिखा हुआ है, टू फेसेस द सेम एंड द अदर डिफरेंट एंड द अदर डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि चांसेस बताओ कि जब आप तीन कॉइन टॉस करो तो दो सेम फेस हो, एक डिफरेंट हो। इसमें अच्छा ये आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, अभी कह लो बी और ये जो अभी मैं सी लिखवा लगा ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्योंकि इन दो इवेंट दो आउटकम के अलावा बाकी जितने भी हैं उसमें दो सेम फेसेस होते हैं एक अलग होता है। देख लेते हैं, जैसे इसमें देखो दो सेम फेस है ना, एक अलग है, हेड और हेड दो सेम फेस है एक अलग है, दो सेम फेस है एक अलग है, इसी तरह दो सेम फेस अलग अलग, टेल टेल दो सेम फेस एक अलग, दो सेम फेस एक अलग। ये कह लो कि भाई दो सेम हो और एक अलग हो, टेल टेल हेड। आप टेल टेल हेड के कितने केस हैं आपने डिफरेंट देखिए, टेल हेड टेल हेड टेल टेल तीन बन जाएंगे इसके, फिर दो हेड हो एक टेल हो तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड इसके तीन है तो टोटल छह बन जाएंगे। तो ये जो इवेंट है ना इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं भाई, इसको केस फेवर कर रहे हैं हेड हेड टेल, अच्छा जी हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तो यहां पे इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं भाई, इस इवेंट को छह केस फेवर कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगा n of c divided by n of sample space 6/8 solve करो 3/4 मतलब 75% chances हैं। और ये आपको समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले इवेंट के कितने चांसेस है 25, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके कितने चांसेस होंगे 100-25 मतलब 75%, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इस तरह भी समझ सकते हो। 75% चांसेस हैं, फ्रैक्शन में लिखो 3/4 चांसेस हैं कि जब आप तीन कॉइन को टॉस करो तो दो सेम फेस आए और एक अलग आ जाए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया।